मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आदित्य रेड स्टार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी अपनी गाड़ी साफ़ हो चुकी है, तो अभी गाड़ी वाड़ी साफ़ करके अब निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पे ही हमें हमारे गेस्ट मिलेंगे। और रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इन लोगों को लेके जाना कहाँ है। सो गाइस, अभी मैं हूँ श्रीजी पेट्रोल पंप पे, जो कि है पुरानी छावनी के अंदर। और इधर हमारे हेमंत भाई काम करते हैं। और हेमंत भैया कहाँ लगे हुए हो, ये 24 घंटे फोन में ही लगे रहते हैं। ये देखो, तो अभी मैं जा रहा हूँ हजीरा, और हजीरा से सबसे पहले हम लेंगे अपने लिए नाश्ता, क्योंकि सुबह से मैं ऐसे ही निकला हूँ बिना चाय पिए। तो गाइस, यहाँ पर प्लान थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं हजीरा नहीं जा रहा हूँ। तो अभी मैं आज पहुँचा हूँ द्वारकापुरी, जो कि हजीरा का ही एरिया है। तो यहाँ पे हम भोलेनाथ वाले से लेंगे कचौड़ी और समोसे। और हजीरा मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि हजीरा अगर मैं जाता तो मुझे बहुत उल्टा पड़ता, और इतनी बड़ी गाड़ी लेके हजीरा में घूमना वो भी कोई आसान नहीं है। और अगर मेरा वहाँ का रूट होता तो मैं शायद वहाँ पे जा सकता था, इसलिए मैंने इधर द्वारकापुरी से ही नाश्ता लिया अपने लिए। और ये द्वारकापुरी का नाश्ता भी बहुत ही फेमस है इधर। और हजीरा क्षेत्र में 2-3 दुकान ही ज़्यादा फेमस हैं, जो कि इनकी गिनती भी इनमें ही आती है। तो इसके बाद हम चल रहे हैं चेतकपुरी, जहाँ से कि हमें अपना पिछला वाला पेमेंट का हिसाब करना है, क्योंकि अभी मैं पिछली बार जयपुर गया था 2-3 दिन पहले, उसका हिसाब नहीं हुआ है। आधा पेमेंट मेरे को मिला है, आधा नहीं मिला, तो वो पेमेंट मैं लेने के लिए अभी जा रहा हूँ। और आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। ओके, थैंक यू। ओके, तो गाइस अभी पैसे लेने के बाद अब हम चल रहे हैं बढ़िया सी जगह देखते हैं, और वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके सबसे पहले अपना नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर देखेंगे हमें जाना कहाँ है। और जिन लोगों को मैं जयपुर घुमाने के लिए लेके गया था, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों के साथ ट्रैवल करके। यार सीधी सी बात है, अगर पार्टी अच्छी होती है तो हम लोगों का ही मन होता है कि उन लोगों को एक एक चीज़ समझाएँ, अच्छे से घुमाएँ। और मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टी हमारी कोई भी हो, निराश होके नहीं जानी चाहिए, ताकि हमें दोबारा काम दे। तो गाइस, अभी चेतकपुरी में गाड़ी लगाया है मैंने, और गाड़ी लगा के फिर अभी करते हैं नाश्ता और फिर चलते हैं। तो गाइस, ट्रैवलिंग में हमारा खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं होती है, जब मिल जाए तब सही, बट अगर हम लोग अपना एक टाइम बनाएं तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कभी हमें रात को 11 बजे निकलना पड़ता है, 12 बजे निकलना पड़ता है, सुबह 5 बजे, 4 बजे, कभी दोपहर में। तो यार हमारा टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं है, हमें कब खाना होता है कब भी ना होता है। तो चलिए अब नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो गाइस, अभी मैं बैठा हूँ स्टेशन के जस्ट सामने पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप के बगल में गाड़ी लगा के हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे साथ 5 गाड़ियाँ और बुक हैं, जो कि इसी फंक्शन में चलेंगी। ये भैया बैठे हैं साथ में, इनकी भी गाड़ी इधर ही बुक है मेरे साथ। तो अभी का सीन ऐसा है कि मैंने एक साथ 2-2 पार्टी बुक करके रखी हैं, और इन दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, इसलिए मैंने बुक कर लिया। और मेरी जो फर्स्ट पार्टी है, इन लोगों को हजीरा मंगलम गार्डन से लेके जाना है मेरे को जीवाजी क्लब। तो अभी मैंने हजीरा मंगलम गार्डन पे गाड़ी लगा दी है, और ये लोग बैठना चालू हो गए हैं, तो इन लोगों को लेके फिर हम चलते हैं जीवाजी क्लब। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जीवाजी क्लब, और यहाँ पे इन लोगों को छोड़ के फिर मैं जाऊंगा दूसरा राउंड लगाने के लिए, क्योंकि मेरे को 3-4 राउंड इनके लगाने पड़ेंगे। तो अभी मैं जिन लोगों को लेके आया हूँ, ये है मराठी फैमिली से, और ये लोग हैं लड़की वालों की तरफ से। तो इन लोगों को छोड़ के फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए। तो गाइस, अभी मैंने लोगों को सामान उतार दिया और इन लोगों को छोड़ दिया,
और यहाँ पे मुझे 4-5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 2 चक्कर लड़की वालों की तरफ से और 2 चक्कर लड़के वालों की तरफ से। और जो हमारी दूसरी पार्टी है, रेलवे स्टेशन के सामने उनका लॉज है, तो वो लोग हमें वहाँ पे मिलेंगे और वहाँ से हमें उनको लेके जाना होगा। सन वैली के आगे उनका गार्डन बुक है, तो उन लोगों को मेरे को छोड़ना पड़ेगा उधर, और कम से कम 5 से 6 चक्कर मुझे वहाँ के लगाने पड़ेंगे, जो कि वो लोग मिलेंगे मुझे 7 बजे के बाद, और 7 बजे तक मैं इन लोगों को छोड़ दूँगा, तो मेरा दोनों जगह का काम हो जाएगा और थोड़ी सी ज़्यादा कमाई भी हो जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं दोबारा मंगलम गार्डन। तो अभी इस राउंड में हमारे साथ कुछ लड़की वाले हैं और कुछ लड़के वाले हैं, तो लड़की वालों को हमें छोड़ना है जीवाजी क्लब और लड़के वालों को छोड़ना है हमें अचलेश्वर सनातन धर्म मंदिर। नहीं 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 उतर रहे सबको। हाँ, आप लोगों को इधर सीधा जाना है। नहीं, जो लड़के वालों की तरफ से है ना, उन लोगों को मैं आगे छोड़ूंगा। जो लड़के वालों की तरफ से है ना, वो लोग उतरेंगे यहाँ पे। लड़के वाले की तरफ से उनको उधर छोड़ेगा, इनको इधर छोड़ना है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ अचलेश्वर। अचलेश्वर के थोड़ा सा ही आगे सनातन धर्म मंदिर है, जहाँ पे मुझे लड़के वालों को छोड़ना है। तो अभी मैंने इन लोगों को अपने अपनी डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया है और अब हमारा काम होता है यहाँ पे समाप्त। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्टी के पास। तो अभी मेरे को लग रही है भूख और मैं आया हूँ मोमोज के ठेले पर। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है चाउमीन रोल, और रोल खाने के बाद फिर लग जाते हैं दोबारा अपने काम पर। तो अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, इन लोगों को दोबारा मेरे को 12 बजे के बाद मैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर छोड़ना पड़ेगा, जहाँ से मैं इन लोगों को लेके आया था। अभी अब मैं स्प्रिंग रोल खा के अभी हम चल रहे हैं वापसी। जब तक हमारी दूसरी पार्टी का टाइम हो जाएगा, तो फिर उन लोगों को सन वैली छोड़ने की तैयारी करते हैं। और हमारी दोनों पार्टियों का सीन एकदम सेम ही है। तो अभी मैंने उन लोगों को गार्डन छोड़ा है और फिर वापसी रात को 12 बजे के बाद में दोबारा इनको अपनी सेम डेस्टिनेशन पर छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस, वेट करते करते अभी शाम के 7 बज रहे हैं। यार, इतना वेट कौन करवाता है। और इसी के साथ में हमारी एक गाड़ी भी आ चुकी है इधर, इनोवा क्रिस्टा, जो कि हमारी कंपनी की है। हमारे पास टोटल 3 गाड़ियां हैं, जो कि 3 टेम्पो ट्रैवलर हैं और 1 इनोवा क्रिस्टा है, जो कि हमारे साथ जाने वाली है। तो हम सारे लोग इसके साथ में जाने वाले हैं। गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी का भी टैक्सी लाइन में अलग ही क्रेज है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन पर, जहाँ से मुझे इन लोगों को लेके जाना है सन वैली। सन वैली में इनका गार्डन बुक है, तो इन सब लोगों को सन वैली में ही छोड़ना है। तो अभी मैं इन लोगों को लेके न्यू हाई कोर्ट से होते हुए जा रहा हूँ सन वैली की ओर। तो अभी इन लोगों को छोड़ के फिर हम चल रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। और आज का सारंग बहुत बड़ा है, इसलिए हर जगह बाराती बारात नज़र आ रही हैं। तो अभी मैंने सारे लोगों को गार्डन छोड़ दिया है, 5-6 चक्कर लगा चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट। तो अभी आप लोग एंजॉय करो बारातियों का डांस। तो अभी हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत जोर से भूख।
तो अभी मैंने सबसे पहले लिया है गाजर का हलवा, और गाजर का हलवा काफ़ी टेस्टी है। और इसी के साथ मैंने लिया है पनीर पकौड़ा, जो कि ठीक ठाक। और इसी के साथ ठंड का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो मैंने लिया है टमाटो सूप। तो स्नैक्स में इतना काफ़ी है, तो फिर आप खाना खा लेते हैं। तो मैंने खाने में लिया काजू मटर छोले, चावल रोटी पापड़ सलाद। तो चलिए शुरू करते हैं। खाना बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ ही खाना खा के फिर हम आगे का काम देखते हैं। सो गाइस, अभी रात के 12 बज रहे हैं और सब लोगों को छोड़ने का टाइम हो गया है। अभी सब लोग अंदर बैठ रहे हैं। लोगों को वापसी छोड़ते छोड़ते मेरे को रात को 3 बज चुके हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अपने घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करो। जय हिंद।